लगातार हो रही बारिश का पानी अब घरों में दाखिल हो चुका है। हालात इतने खराब हैं कि लोगों को अपनी जान का डर सताने लगा है। इस दौरान प्रशासन बाढ़ की जद में आए परिवारों को रेस्क्यू सेंटर में शिफ्ट कर रहा है। उधम सिंह नगर के खटीमा में बहने वाली देवह नदी की जद में कई परिवारों के आशियाने आ गए हैं। साथ ही कई किसानों की खेती योग्य भूमि भी तेज बहाव के चलते कटाव का शिकार होने लगी है। विगत कुछ दिनों से लगातार पहाड़ी और मैदानी क्षेत्रों में हो रही बारिश के चलते तराई में बहने वाली सभी नदियों का जलस्तर काफी बढ़ गया है और बहाव की गति भी काफी तेज हो गई है, जिसके चलते नदी के किनारे बसी आबादियों पर खतरे के बादल मंडराने लगे हैं। इस बीच बाढ़ की जद में कई मकानों के आने के बाद कई परिवारों को प्राइमरी स्कूल में शरण लेनी पड़ रही है। पीड़ित परिवारों का कहना है कि प्रशासन ने उनकी मदद के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। हालात बेहद गंभीर हैं। ये प्रधान ने और पटवारी ने चावल और दाल दी थी। हमें परेशानी है ही, सब सामान की, सिलेंडर की भी, हर चीज की परेशानी तो है ही। हमें और सुबह प्रधान को भी हमने फ़ोन किया, उन्हें कोई उत्तर नहीं दिया, ना आया ही। पटवारी को भी फ़ोन करवाया था। अगर चर्च नहीं होता तो हम कहाँ रहते, रास्ते में आ जाते हम लोग। इतना पानी है, रास्ते में इतना पानी आ जाता है, सांप का खतरा है, अन्य जानवरों का खतरा है। इसलिए हमें सरकार की तरफ से जगह दी जाए, सुविधा दी जाए, जगह दी जाए ताकि हम घर बनाएं, अच्छे से रह सके, ये परेशानी से दोबारा ना आए। हर साल ये परेशानी आती है, कमर कमर जितना पानी हो जाता है, जानवरों को देखना जाना, जानवर भूखे प्यासे रहते हैं, उनको छोड़ भी नहीं सकते, पानी का खतरा है हम लोगों को हर साल आता है। SDM रविंद्र बिष्ट ने बताया कि बाढ़ के प्रभाव से गाँव को बचाने हेतु प्लान तैयार किया जा रहा है। मौजूदा वक्त में लगभग 7 परिवारों के मकान खतरे की जद में हैं, जिसके चलते 7 परिवारों को गांव के प्राइमरी स्कूल में शिफ्ट होने के निर्देश दिए गए हैं। सिंचाई विभाग भी हमारे साथ आई है, यहाँ पर जो प्रोटेक्शन वर्क है वो किया जाना है। उस DM साहब भी जब पहले आए थे तो उनके द्वारा भी इसको देखा गया था। इसका TAC हो गई है, इसकी जो प्रोजेक्ट है उसकी TAC तो हो गई है, लेकिन अभी फाइनेंशियल मंजूरी होनी बाकी है, तो संभवतः जल्दी वो हो जाएगी। तो इसमें हम क्या बोलते हैं, प्रोटेक्शन वर्क करके इसको पूरा सुरक्षित कर लेंगे। मैं पहले भी जिलाधिकारी महोदय और अपर जिलाधिकारी महोदय द्वारा मैंने निरीक्षण किया था, आज मैं आया हूँ निरीक्षण के लिए। यहाँ पर जो देवा नदी है मेन, उसका जलस्तर बढ़ गया, जिसके कारण थोड़े से मकानों को खतरा है, लेकिन अभी फिलहाल उतना ज़्यादा खतरा भी नहीं है। लेकिन हमने इनको नोटिस सर्व कर दिए हैं कि ये यहाँ से शिफ्ट हो जाए। हमारे यहाँ पर जो विद्यालय है, राजकीय विद्यालय, वहाँ पर इनको राजशिविर बना दिया गया है, और जो फूड पैकेट्स हैं उसका भी इंतजाम सप्लाई डिपार्टमेंट को कह दिया गया है। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण, हम करते हैं सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़, आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।